अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आज से कुछ महीने पहले चारमीनार एमएलए मुमताज़ अहमद खान के बेटे डॉक्टर इम्तियाज़ ने एमआईएम के वर्कर मोहम्मद मन्नान को गाली गलौज की थी। इसकी ऑडियो वायरल हुई थी। आज वही मोहम्मद मन्नान के बड़े भाई पर मुमताज़ अहमद खान ने किया हमला। इसकी वजह ये बताई जा रही है, शराब के नशे में मुमताज़ अहमद खान ने मन्नान के बड़े भाई को कहा, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया। सीसी कैमरे में कैद हुआ इनका ये वीडियो। आइए नाज़रीन देखते हैं आगे की ये रिपोर्ट। मेरा नाम गुलाम गौस गिलानी है। मैं साबिका कॉरपोरेटर गुलाम समनानी साहब जो रुकने आमिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थे उनका पोता हूँ। मैं मन्नान का बड़ा भाई हूँ। मेरे घर के दो घर बाजू मुमताज़ अहमद खान एमएलए रहते जो 25 साल से आवाम को पागल बना रहे। इससे पहले जो झगड़ा हुआ था वो झगड़े के मुनसब में आके अभी मैं घर के नीचे बैठा हुआ था, मेरे को आके अननेसेसरी पछड़ा मार के ये बोले कि तू मेरे को सलाम नहीं कर रहा। मैं उनको कई को करूँ सलाम, और उनको मैं देखा नहीं था। सलाम तो अल्लाह को पहुँचता ये भी मालूम, मैं उनको देखा नहीं था। मेरी माँ को लग देते, मेरे को वो कर देते, मेरे को ये कर देते, पैर पे पैर रख के चीर देते। उनके भतीजे बोल रहे हैं कि गोलियाँ मार देते। भाई मर्द हूँ, आके गोलियाँ मार सकते आपको जो करना है कर सकते। इससे पहले ये कंप्लेंट असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिया था। असदुद्दीन अवैसी साहब के कहने पे ही मैं खामोश बैठा हुआ था कि कुछ नहीं करना। असद साहब बोले थे कि सब्र से काम लेना मियाँ, कुछ नहीं करना। मैं ये चीज़ पे खामोश था। अननेसेसरी उन्होंने अब आए मेरी माँ के सामने बैठ के, इससे पहले 45 मिनट खदमों में बैठ के रोया इम्तियाज़ और उसका भाई मंसूर। आपको इंशाल्लाह वो वायरल भी करूँगा वीडियो, और आपको पूरी चीज़ की ऑडियो भी मिलेगी। और ये जो भी चल रहा ना साहब, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है। उन्हों सीनियर एमएलए होंगे अपने घर में, और उन्हों पब्लिक के लिए एमएलए बने, उनके घर की जाती मफाद के लिए नहीं बने हुए। ये सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात है। असद साहब आप इसको नोट लीजिए, अगर आपकी भी ये नहीं सुन रहे तो उखाड़ के फेंकिए। अब तक इन्हों जितने का भी इनकी जो इज्जत बाजार में गई, इनका खुद का बेटा उछाला, जो इन्हों हराम खाने से इन्हों फीड करे हुए हैं ना, जो हराम उनको उन बच्चों को खिला के फीड करे हुए हैं, ये उससे पैदा हुई सो नस्ल है। तो ये आपका काम है साहब, आपको जब हम लोग रहबर बना के चलते तो आपका काम है इन लोग को देखना। ये दो घर रहने बाजू आजू बाजू आने जाने वालों को तकलीफा देना ये बात गलत है। उनको सलाम करना, कोई उन्हों खुदा नहीं है और ना उनको मैं कुछ समझता हूँ। मेरे लिए उन्हों पैर की जूती है। ये करने की असल वजह क्या? प्रीवियस असल वजह कुछ भी नहीं है। मन्नान की जो वायरल हुई थी रिकॉर्डिंग, जिसमें इम्तियाज उन जो गालियोलॉजी एक्सपर्ट जो थे ना उनके बेटे, उसके लिए करे उन्होंने। जो वायरल हुई थी उनकी बदनामी जो हुई ना, उससे करे। अब जो आदमी हराम का खाएगा उन्हें ऐसी करेगा, वो तो ये वही चीज था। वो आपके भाई के साथ में था, लेकिन आपके ऊपर दुश्मनी निकालने का मेरे ऊपर इसीलिए करे। मैं देखो भाई, एक चीज के एमपी रहते, जब सदर है पार्टी का तो मेरा काम है उनके सामने ये चीज रखना। मैं उनके सामने ये चीज रखा था, मेरे को जो चीज उन्होंने तयकुन दिए थे मैं वो चीज करा। सब्र रखो बोले सब्र रखा, लेकिन अब ये चीज अनटॉलरेबल है। ये कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब चाहे इसको आप लोग नेगेटिव वे में लो या पॉजिटिव वे में लो। तो ये झगड़ा कहाँ पर हुआ? ये चारमीनार बस स्टॉप में, मेरे घर के नीचे चारमीनार बस स्टॉप में। उन्होंने उनके घर के बाहर उन्होंने आए, मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, उन्होंने गाड़ी रख के आके पैदल आए वापस, दो गनमैनों के साथ में आए, आके करे उन्होंने। 25 साल से एमएलए हूँ 50 बार ये चीज़ बोले उन्होंने। तो मैं बोला तो 25 साल से एमएलए तो मैं क्या सर पे उठा के फिरूँ? अभी आप जो कंप्लेंट करा, कंप्लेंट का कुछ भी एक्शन होने वाला नहीं है। मेरे को ये भी मालूम है उनका दबदबा क्या है, वो भी मेरे को मालूम है। ठीक है, उनको अल्लाह ताला जहाँ तक कर सकता करने दो, मैं जहाँ तक हो सकता कर दो। उन्होंने ये चीज़ बोले हैं कि मेरे को पैर पे पैर रख के चीरते,
और उनके मेरे को भतीजे बेटे बोले हैं कि गोलियां मारते, इंशाल्लाह रेडी हूँ, सीना दूंगा, सीने पे मारना। कौन से बेटे बोले नाम? बोलता हूँ सब नाम, सबका नाम आता। कौन से बेटे बोले, कौन से भतीजे बोले, अगर मर्द मुजाहिद है ना, आ जाना, सीने पे मारना गोली, कहीं दूसरी जगह नहीं मारना, और बद पीछे से उंगलियां नहीं करना, सीधा सामने आके करना जो भी करना। ठीक है, मां सलाम। तीन दिन से रह के हैबत नहीं खाए ना।